हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो आप लोग? ये देखिए, शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये गोभी काट रहे हैं और आलू छीला मैंने, इतना हो गया। और ये मटर है, अभी भी मटर आ रही है। तो आलू गोभी टमाटर मटर की सब्जी और पराठा बनाएंगे। और सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, क्या ना दो दिन से मेरा घूम घूम। हेलो दोस्तों, देखिए मैं कपड़े धुल के आ गई। आज मुझे बहुत काम है, ये कपड़े धुल धुल के मैं थकी जा रही हूँ। बहुत कपड़े धुले, आज बहुत काम हुआ। दो दिन से मेला घूम रहे थे तो टाइम मिला नहीं, घर में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो वही धुल रहे। मम्मी इधर कपड़े धुल रही थी, मैं थक गई हूँ सुबह से करे करे। और थोड़ी साफ सफाई भी घर की करी आज, थोड़ा थकान ऐसी हो गई और वैसे कुछ शूट भी नहीं कर पाए। तो हमने चला ये शाम से ब्लॉग कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कहा चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी सब्जी अब जकड़ गई है, तो अब किचन में चलते हैं, फिर आपको थोड़ी देर मिलते हैं। आज सुबह नाश्ते में हमने इडली बनाई, तो वही साचा उसका सुबह की धड़बड़ थी कि हमने ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाए। देर भी होती रहती है, इसी वजह से हम आज के ब्लॉग शूट नहीं करें, इसके लिए सॉरी। फिर आपको इडली रेसिपी हम किसी और जब बनाएंगे तब शूट कर देंगे, आपके लिए बनाते आएंगे। मैंने सब्जी छोंकनी सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ धुल लिया है, ये सारी तैयारी कर ली है। एक और हमान कढ़ाई भी मैंने चढ़ा ली है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डालते हैं। हम अधिकतर कड़वा तेल यूज़ करते हैं, कड़वा तेल हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है, रिफाइंड बहुत ही कम पूरी वूरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं बस। बाकी हम अधिकतर सब्जी बनाने के लिए कड़वा तेल यूज़ करते हैं। तेल हमारा तेल गर्म हो जाते हैं। और इधर एक कढ़ाई और चढ़ा रखी है, ये भी आप लोग देख लीजिए, दिख रहा होगा। तो मम्मी को लगी है भूख, तेरी हल्की सी भूख लगी है, तो मेरे लिए पापड़ चढ़ा। तो मम्मी के लिए हमें साबुदाना का पापड़ चढ़ाने जा रहे हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, तो जब तक दो चार पापड़ मम्मी को खिला देते हैं। जब भी आप पापड़ पर सेकिए थोड़ा दूर से, चलिए क्योंकि ये जब छिटकता है ना तो उसकी छींटे लग जाती है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये बाहर से साबुदाना लेके बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लेकिन ऐसे फूलता है। हम लोग को बहुत पसंद है साबुदाने पापड़, बाकी सारे पापड़ रखे हैं पर साबुदाने पापड़ नहीं बच पाते, सबको बहुत पसंद है। आज मम्मी ने काम कर लिया है तो थोड़ा थक गई है, वो आराम कर रही है। चलिए इनको पापड़ देख के आते हैं चाट को। पहले बताइए, अभी की गर्मी इतनी पड़ रही है, देख रहे कितना पसीना निकल रहा है। अप्रैल चल रहा है, इतनी गर्मी हो गई, कूलर आगे चल रहा है फिर भी गर्मी। अब किचन में जो काम करता है वो तो समझ सकता है। अभी तो सितंबर तक गर्मी रहती है, सितंबर तक जाती है गर्मी। हमारा पापड़ रेडी हो चुका है, ये देखिए साबुदाने पापड़ कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए आप लोग टेस्ट करिए। और मम्मी देख के आते हैं, अभी हमें ज़्यादा बोलना कैमरे सामने बोलना वोलना आता नहीं है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, हमें आगे ले जाइए ताकि हम और अच्छे ब्लॉग बना सके। और थोड़ा अगर गलती वलती हो जाए तो उसे माफ़ करिएगा, सॉरी इसके लिए। मम्मी देख के आते हैं फिर आपको मिलते हैं। तेल तो हमारा गर्म हो चुका है, उसमें जीरा डाल देते हैं और ये लहसुन डालते हैं।
लोग क्या नाम हरी मिर्ची ज्यादा यूज करते हैं, लाल मिर्ची बहुत ही कम, कभी जब रसेदार सब्जी बनती तब यूज करते, वरना लाल मिर्ची यूज करते। और इसमें मैंने ये कच्ची हल्दी आती है वो लिया है, तो ये भी ग्रेट कर लिया है, ये भी मिर्च में डाल देते हैं, थोड़ा लाल हो जाए ये डाल देते हैं। आलू गोभी मटर टमाटर मीडियम सब्जी बना रहे हैं, सूखी मसालेदार सबको वही पसंद है। मिक्स कर देते अच्छे से, मटर भी डाल देते हैं, एक चम्मच हम धनिया डाल देते हैं, धनिया पाउडर, और ये किचन किंग मसाला है कैच का, ये डाल देते हैं, सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक से डेढ़ चम्मच गिरा देते हैं, और इसमें हम नमक गिरा देंगे, चीज़ों को मिला देते हैं। टमाटर में हम बाद में डालेंगे, सब्जी हमारी पक जाएगी तब हम टमाटर डालेंगे, पहले डाल दो सब्जी पकती नहीं है, तो इसको हम ढक देते हैं, सब्जी पक जाती है फिर आके खोलने में मिलते हैं। ठीक है, खाना बनाते बनाते जान निकल गई, पर हमारा खाना बन गया है, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए धनिया सब निकाल के गार्निश कर दिए, और इधर हमारी रोटी भी तैयार हो चुकी है, चलिए थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। ब्लॉग का एंड करना भूल गए थे, और हमारा खाना पीना हो गया है, हम सोने जा रहे हैं। इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरे पति जो लेटे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।